हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ स्पोर्ट्स सेगमेंट की फुल्ली फेयर मोटरसाइकिल लेके हीरो करिश्मा एक्स मार्क। दोस्तों ये मोटरसाइकिल कोई एक बाइक नहीं है, ये है एक इमोशन। पहले ये मोटरसाइकिल आती थी करिश्मा जेडएमआर करके, हीरो ने ये मोटरसाइकिल को बंद कर दिया था, फिर से इस मोटरसाइकिल को दोबारा से लॉन्च कर दिया हीरो एक्समार करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, मोटोमेटस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपको भी फुल्ली फेयर मोटरसाइकिल का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में करूंगा इसका फुल डिटेल में वॉक अराउंड। देखेंगे इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और क्या रहने वाली है इसकी ऑन रोड प्राइसेस, क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों साइड से देखने में तो ये मोटरसाइकिल आपको एग्रेसिव और एरोडायनामिक दिखती है। इसका डिजाइन तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। ग्राफिक्स तो इस मोटरसाइकिल में ज्यादा भर भर के नहीं दिए हैं, नहीं तो ये मोटरसाइकिल सर्कस की बाइक जैसी लगती। इसके फेयरिंग में आपको मिल जाता है ड्यूअल टोन कलर में एक्समार का स्टीकर, और यहाँ पे भी लगा हुआ मिलेगा आपको हीरो का स्टिकर। दोस्तों हीरो अपनी ब्रांडिंग की तो कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ती। टैंक इसमें आपको मिल जाता है ड्यूअल पार्ट में, ये पोर्शन मिलेगा आपको ग्लॉसी येलो कलर में, और ये रहा ग्लॉसी ब्लैक कलर का। यहाँ पे करिश्मा का 3D लोगो मिल जाएगा। इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक। ये मोटरसाइकिल आती है BS6 फेज 2 के OBD2 E20 फ्यूल सपोर्ट के साथ, ये रहा इसका फ्यूल कैप, और इस पोर्शन में लगा हुआ मिलेगा आपको DOHC का स्टिकर, क्योंकि ये मोटरसाइकिल आती है ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ। चलिए बात कर लेंगे इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड FI इंजन, जो आता है ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ। मैक्सिमम पावर जनरेट करता है ये इंजन 24.7 BHP की 9250 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा ये 20.4 न्यूटन मीटर का 7250 RPM पर। इस सेगमेंट में तो पावर और टॉर्क की वैल्यू तो इससे ज्यादा किसी मोटरसाइकिल में नहीं मिलती। यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा आपको स्लीपर एंड SS क्लच का स्टिकर, ये रहा इसका एग्रेसिव स्टाइल में ब्रेक पैड, ये राइडर फुटरेस्ट, और पीछे की तरफ मिल जाएगा आपको स्टाइलिश सा पिलियन फुटरेस्ट, और इसमें आपको मिल जाता है स्पोर्टी मफलर, जिसकी आवाज तो भाई बहुत ही ज्यादा बेसी रहने वाली है। चलिए बात करेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्लैक कलर की बड़ी सी विंडशील्ड, जिसको आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहे इसके स्टाइलिश से मिरर, और यहाँ पे आपको मिल जाती है क्लास डी प्रोजेक्टर हेडलाइट सिग्नेचर DRLs के साथ, और ये रहे इसके फ्लेक्सिबल पॉइंटेड LED विंकर्स, इसमें आपको हजार्ड भी मिल जाएगा। फ्रंट सस्पेंशन इसमें मिल जाते हैं आपको 37mm के टेलीस्कोपी, ये आते हैं एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ। फ्रंट फेंडर इसमें मिलेगा आपको ड्यूअल पार्ट में, पीछे मैट ब्लैक और आगे ग्लॉसी येलो कलर में। फ्रंट व्हील इसमें मिल जाता है आपको स्टाइलिश सी अलॉय व्हील के साथ, इसमें आपको येलो कलर का स्टिकर भी मिल जाएगा। टायर इसमें मिल जाएगा आपको MRF का, जिसका साइज आता है 180/17 का ट्यूबलेस टायर, और फ्रंट में आपको मिल जाती है 300mm की पेट्रोल डिस्क। ये मोटरसाइकिल आती है ड्यूअल चैनल ABS के साथ। इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है आपको स्प्लिट सीट, इसमें आपको कोई भी सिंगल सीट वाला वेरिएंट नहीं मिलता, वहीं R15 में आपको सिंगल सीट वाला वेरिएंट मिल जाएगा। इस मोटरसाइकिल में आप दो लोग ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि राइडर सीट आपको डाउन मिल जाती है और पिलियन सीट आपको ऊंची मिल जाती है। फैमिली पर्पस के लिए तो ये मोटरसाइकिल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुशन इसमें मिल जाता है आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी का। ग्रैब रेल इसमें मिल जाती है आपको स्प्लिट, जो इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करती है, और इस पोर्शन में लगा हुआ मिलेगा आपको ड्यूअल टोन कलर में 210 का स्टिकर। रियर व्हील भी आपको स्टाइलिश सी अलॉय व्हील के साथ ही मिलता है, इसमें भी आपको येलो कलर का स्टिकर मिल जाएगा। रियर टायर भी आपको MRF का ही मिलेगा, जिसका साइज आता है 140/70/17 का ट्यूबलेस टायर। रियर ब्रेक में आपको डिस्क मिल जाती है, जो आती है 230mm की पेट्रोल डिस्क। ये मोटरसाइकिल ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। वैसे ABS तो हर बाइक में कंपलसरी हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सेंटर माउंट 6-स्टेप प्रीलोडेड एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन, और ये रहा इसका मड प्रोटेक्टर, जो बहुत ही ज्यादा मजबूत क्वालिटी का आता है, जो सस्पेंशन में मिट्टी और पानी जाने से बचाएगा। टेल लाइट भी इसमें आपको सिग्नेचर LED ही मिल जाती है। हीरो अपनी ब्रांडिंग ग्राफिक्स में तो नहीं करता, लेकिन ये करता है डिजाइन पे, और ये रहे इसके LED पॉइंटेड विंकर्स। गियर शिफ्टर इसमें मिल जाता है आपको एग्रेसिव स्टाइल में। इस मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं आपको 6 गियर, जो पहला डलेगा नीचे की तरफ और बाकी 5 ऊपर की तरफ। ये रहा इसका साइड स्टैंड, ये मोटरसाइकिल आती है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ, और यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलता, क्योंकि स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलेंगे। और पीछे की तरफ हाफ चेन कवर, जो प्लास्टिक का आता है लेकिन ये मजबूत क्वालिटी का है। और ये रहा इसका साड़ी गार्ड, इसमें आपको लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलता। चलिए बात करेंगे इसके हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है क्लिप ऑन हैंडल बार। देख लेंगे इसके फीचर्स। तो यहाँ पे आपको बैकलाइट मिल जाएगी, इंजन किल स्विच सेल्फ स्टार्ट के साथ, ये रहा हजार्ड का स्विच। देखेंगे दूसरी साइड हाई लो बीम का स्विच पास स्विच के साथ। ये रहे इसके मेन्यू के बटन, जिससे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिकेटर टर्न स्विच और नीचे हॉर्न।
यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है जिससे आप राइडिंग करते समय अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाता है आपको एलईडी जो आता है 35 प्लस फीचर्स के साथ। ये मोटरसाइकिल आती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। इसमें लगा हुआ मिलेगा आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर जो आपके लाइटिंग के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर देगा। ये रहा इसका आरपीएम मीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, और ये रहा इसका गियर शिफ्टर इंडिकेटर, और ये रहे इसके बेसिक से फीचर्स। इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है, इनकमिंग कॉल और एसएमएस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। चलिए बात करेंगे इसके डायमेंशंस की। तो ओवरऑल लंबाई आती है 2068 मिलीमीटर, चौड़ाई आती है 760 मिलीमीटर, ऊंचाई इस बाइक की आती है 1110 मिलीमीटर, व्हील बेस इसमें मिल जाता है आपको 1351 मिलीमीटर का, सीट टाइट इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है आपको 810 मिलीमीटर की, ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का आता है 160 मिलीमीटर का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में मिल जाती है आपको 11 लीटर की, वजन इस बाइक का आता है 164 किलो का, माइलेज मोटरसाइकिल दे देगी 40 प्लस का, टॉप स्पीड ये मोटरसाइकिल जाती है भाई 147 किलोमीटर पर आवर की। बात करेंगे इसके प्राइसेस की। तो ये मोटरसाइकिल आती है 179,900 रुपए एक्स शोरूम, जो आरटीओ इंश्योरेंस मिला के ऑन रोड बैठ जाएगी 213,428 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पसंद करते हो तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पावर और परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा मिल जाती है। अगर आप इस मोटरसाइकिल का R15 से भी मुकाबला करेंगे तो उससे ये मोटरसाइकिल लगभग 25,000 कम कीमत में आती है। वो आती है 125 सीसी की और ये है 210 सीसी की, उससे ज्यादा पावर और ज्यादा टॉप स्पीड मिल जाएगी। और इसका मुकाबला अगर पल्सर 220F से भी करेंगे तो उससे भी आपको ज्यादा पावर इसमें मिल जाती है। दोस्तों अगर आप पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल आप खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ कमियां हैं इस मोटरसाइकिल में, अगर आप उन चीजों को इग्नोर कर दे तो ये आपके लिए बेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट में बताइएगा खरीदेंगे आप इसे और क्या क्या इसमें हीरो वालों ने चेंजेस करने चाहिए। मैं आपका राइडर दोस्त नवीन लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।